तो यहाँ पर आप देखिए सभी जो बच्चे हैं वो एक साथ किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी के स्वागत में डांस कर रहे हैं, जो भी इनका डांस है, जो भी इसको लेजिम बोलते हैं। तो ये बच्चे क्या क्या जानते हैं राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में? इसे बजा के दिखाइए कैसे बजाते हैं, कैसे खेलते हैं सर। कलम नूरी में राजीव गांधी को लोग देवतुल्य मानते, देवता के समान। हाँ बरोबर बरोबर। हाँ, और मोदी को द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है कलम नूरी में, जो कि हिंगोली जिले में आता है, और यात्रा शाम का वक्त अभी लगभग पहुंच चुकी है अपने प्रस्थान की तरफ, जहां इसे समाप्त होना है वहां पर पहुंचने वाली है। तो अभी आप देखें यहां पर तमाम सारे स्कूली बच्चे हैं और ये यहां पर लेजिम बजा रहे हैं हाथों से। इधर जो पूरी लाइन है ये छात्रों की है और इधर जो पूरी लाइन है छात्राओं की है और बीच में जो है वो अध्यापक है। तो इन्हें कैसे ट्रेंड किया गया और क्या क्या चीज़ें हुई। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इधर भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जो ये मुझे लग रहा है 5वीं से नीचे के हैं या 8वीं से नीचे के हैं, 11वीं 12वीं तक, 12th तक है सर। किनारे खड़े हैं ये 5वीं 7। अच्छा ये बताइए कि आप इन्हें कैसे ट्रेनिंग दिया आपने और क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी राहुल गांधी के स्वागत, राहुल जी के स्वागत पर, इसके मौके स्वागत के लिए ये ग्रुप डांस बिठाए वाला है, इसी को लेजिम कहते हैं। ये तैयारियां कितने दिन पहले चल रही है? ये चार पाँच दिन पहले से हो चुका है। पहले से चल रही है, सबको बकायदा पंक्ति में खड़ा किया जाता होगा, प्रैक्टिस कराई गई होगी। यस यस सर। तो क्या बताएं इन बच्चों को कि हाँ क्या कौन आने वाले हैं, कैसे करना है? वो तो है ना जी, हम खासतौर पर राजू सातो साहब के स्कूल के स्टूडेंट छात्र ही हमारे सर, हमारे वो नेता है हमारे संस्था में। ये बच्चे क्या क्या जानते हैं राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में? राहुल जी को नहीं पहचानने वाला ऐसा कोई है नहीं सर, हर बच्चा राहुल जी को जानता है सर, क्योंकि स्कूल के छात्र है ये सब, सातो साहब के स्कूल के छात्र है। नहीं, स्कूल का नाम क्या है? शंकर राव सातो। अच्छा, ये राजीव सातो साहब के पिताजी का नाम है सर स्कूल का। अच्छा, सर। हाँ सर। तो चलिए हम कुछ बच्चों से भी बातचीत कर लेते हैं। तो ये छात्र है या? ये छात्र है, छात्र है, छात्र है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? किरण मोगले। क्या ये कैसे बजाते, एक बार जरा दिखाइए बजा के। क्या सर? इसे बजा के दिखाइए कैसे बजाते हैं, कैसे खेलते हैं सर। आप कितने दिनों से बजा रहे हैं? ए, हम लगभग सर पाँच दिनों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। अच्छा, आप सिखा, आप ही कोच है क्या? नहीं, कोच नहीं हमारे को, मतलब हम खेलते हैं गांव में। हाँ। तो इन्होंने सातो साहब के स्कूल वालों ने बुलाया हमको। अच्छा, आपको बुलाया कि इन सबको सिखाइए? हाँ, सिखाने के लिए बुलाया। हाँ। तो कितना दिन लगा, आसानी से सीख गए सब बच्चे? आसानी तो नहीं हुए सर, कुछ बच्चों में, कुछ बच्चों तो आता नहीं था उतना, सिखा दिया हमने कुछ बच्चे। एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर है और बहुत अच्छे से सभी के साथ में ताल से ताल मिला रहा है, कदम से कदम मिला रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? अभय परशुराम जादव। परशुराम जादव। अच्छा, अभय परशुराम। अच्छा, ये बताओ कि किसके स्वागत में सब कर रहे हो? ये भारत जोड़ो यात्रा की। अच्छा, घर पे बताया था कि मैं जा रहा हूँ? घर पे बताया था। क्या बताए थे घर पे, किससे बताए थे? पापा को, पापा को बताए थे। तो पापा ने क्या बोला कि जाओ? जाओ बोले। अच्छा, खुशी खुशी मान गए? हाँ मान गए। तो राहुल गांधी के बारे में क्या क्या जानते हो? हाँ, क्या क्या जानते हो राहुल गांधी के बारे में, कौन है वो? वो राहुल गांधी, वो अच्छे इंसान। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि टीचर ने क्या क्या बताया आपको? टीचर ने क्या? हाँ चलिए कोई बात नहीं, और भी हम कुछ लोगों से पूछते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा एक तरीके का जो पारंपरिक डांस है यहाँ का, महाराष्ट्र का जो भी है ये, मुझे इसके बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। लाइव टीवी में आपका बहुत स्वागत है। आप जरा बताइए इस कला के बारे में जो यहाँ पर सब प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो महाराष्ट्र की लेजिम का प्रकार है, ये लेजिम हर स्कूल में खेला जाता है और ये खेल प्रकार में भी आता है ये। और जो अपन ये नहीं बोलते क्या, कवायद, हर स्कूल में कवायद के तरफ इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये लेजिम नाम है इसका। तो ये स्वागत करने का जो आइडिया है ये कहाँ से आया, कहाँ से उपजा? हम स्वर्गीय राजीव जी सातों के स्कूल के है, अरे बच्चे भी इसी स्कूल के है। अगर वो हमारे हयात में नहीं है तो उनके पश्चात हमें कुछ करना चाहिए। हमें ऐसा लगा कि राहुल जी उनके खास नज़दीक के थे,
तो उनका स्वागत तो बनता है हमारे कलम में आने के बाद। तो बच्चों को आपने कैसे चुना कि कौन कौन से बच्चे, जैसे क्योंकि स्कूल के सारे बच्चे तो होंगे नहीं? नहीं, एक ही स्कूल के बच्चे हैं। एक ही स्कूल के बच्चे हैं, 11वीं के बच्चे हैं, 12वीं के बच्चे हैं और 10वीं के बच्चे हैं। इनके पेरेंट्स मान गए थे? हाँ बिल्कुल, सो खुशी से। तो आपने जितने भी पेरेंट्स हैं उनको सूचना भिजवाई थी, कैसे उनको संदेशा भिजवाया कि हाँ आपके बच्चों को हम ऐसे? हाँ, स्कूल के बच्चे हैं तो सब पालक को बोल दिया था कि भाई हमको लेजिम सीखनी है और उसका राहुल जी का स्वागत करना है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ये बताइए कि बच्चों के साथ में आप भी लेजिम बजा रहे हैं और राहुल जी के स्वागत में यहाँ पर आप भी डांस कर रहे हैं बच्चों के साथ में, तो प्रैक्टिस भी साथ साथ की थी? नहीं, प्रैक्टिस साथ साथ नहीं की थी, एक ही दिन में उन्होंने तैयारी कर ली है बच्चों ने। अच्छा, एक ही दिन में? एक ही दिन में। कल ही हमें मालूम हुआ है राहुल जी इधर आ रहे थे, खेड़े पाड़े के बच्चे है पूरे। लेकिन अभी बच्चे तो बता रहे थे और सर भी बता रहे थे कि 3-4 दिन से तैयारी चल रही है। सर जी बता रहे पर 2 दिन से प्रैक्टिस है, कल से। अच्छा, कल से प्रैक्टिस है और ये खेड़े पाड़े के बच्चे है पूरे सब। सब इन्होंने एक ही दिन में ये सब कर दिया। एक ही दिन में इतना परफेक्ट हो गए? इतने एक ही दिन में परफेक्ट? एक ही दिन में तो मशीन भी इतनी परफेक्ट नहीं होती। ये सुबह से 11 बजे आए थे। तो सर की बात तो हमें सही लगी कि सर बताइए एक ही दिन में परफेक्ट हुए, 4 दिन लगा? होते नहीं है, कल से तो कुछ बच्चे आज नहीं हुए वाले है, तो प्राइमरी के जो बच्चे है। तो चलिए कोई बात नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर आप देखिए सभी जो बच्चे हैं वो एक साथ किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी के स्वागत में डांस कर रहे हैं, जो भी इनका डांस है, जो भी इसको लेजिम बोलते हैं। और इधर से आप देखेंगे तो भारत जोड़ो यात्री जितने भी हैं वो सभी आ रहे हैं यहाँ पर। अभी हम कुछ और स्थानीय लोग हैं जो इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? बंडू यवारे। ये कौन सा डांस है, देख के अच्छा लग रहा है? लेजिम। लेजिम? लेजिम जानते हैं इसके बारे में? अच्छा, इसमें आपके घर का भी बच्चा है? है ना मुझे। अच्छा है, आपका भी बच्चा है? गली में बच्चे हैं हमारे। अच्छा, गली का है? स्कूल में गए। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। राहुल गांधी के स्वागत में खड़े हैं या लेजिम देखने के लिए खड़े? दोनों को, राहुल गांधी के। राहुल गांधी के वास्ते खड़े हैं। अच्छा, बच्चे लेजिम अच्छा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, चाहे छात्राओं की बात करें या फिर चाहे छात्रों की बात करें, ये सभी राहुल गांधी के बारे में सब कुछ जानते होंगे। आप लोग इन्हें बताते हैं कि हाँ राहुल गांधी कौन है, राजनीति के बारे में, कांग्रेस के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, राहुल गांधी, राजीव गांधी, किसके इसके बारे में बताते हैं? राहुल गांधी के। राहुल गांधी के बारे में आप बताइए कि आप यहीं के लोकल ही रहने वाले हैं? हाँ, कलमनुरी के। अच्छा, कैसा माहौल है इधर कलमनुरी में? एकदम बढ़िया माहौल है, सिर्फ इसमें कमी एक ही लग रही है हमारे बहू की, राजू जी सातों की कमी लग रही है। अगर वो रह रहे हमारे को और अच्छा लगता। अच्छा, हम तो पहले से उनके हैं, उनके रहेंगे और इनके अच्छा, साथ। यहाँ पर ऐसा सुनने में आ रहा सर, बस 2 मिनट, कि कलमनुरी में राजीव गांधी को लोग देवतुल्य मानते, देवता के समान। हाँ बरोबर बरोबर। और मोदी को? अब वो समझो कैसा है माहौल, जो भी है वो पब्लिक है और इसमें है, लेकिन मतलब जिसे मानने गिंदा ना मानने का आपकी जो भी विचारधारा, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन 10%, 5%, 20% कुछ है बीजेपी के सपोर्टर, कुछ भी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आधे आधे हो सकते हैं। आधे आधे हो सकते हैं। यही हम जानना चाह रहे हैं कि मोदी के बारे में क्या सोचते हैं लोग, क्या ख्याल रखते हैं? आधे आधे। अच्छा, इधर अगर बात करें, चलिए और बाकी पार्टियां जैसे एनसीपी भी है और शिवसेना भी है, तो इनका कुछ है वोट? बीजेपी कम है, शिवसेना ज्यादा है। अच्छा, शिवसेना ज्यादा है? हाँ, शिवसेना समझो 50 और कांग्रेस 50 कांग्रेस है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम आपको आगे लेकर चलते हैं, आगे जैसा कि आपको हम हर दिन दिखाते हैं कि राहुल गांधी की जब भी यात्रा निकलती है तो सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े होते हैं, बशर्ते शहरों में ज़्यादा लोग होते हैं, गाँव में कम लोग होते हैं, और अगर रास्ता कहीं वीराने में है तो फिर वहाँ पर बिल्कुल भी लोग नज़र नहीं आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हाईवे पर खड़े होते हैं लोग बहुत कम ही मात्रा में, जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, लेकिन जब बात शहरों की आती है तो पूरा हुजूम लगा हुआ होता है। वहीं इसके अलावा जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है, चाहे दोपहर में सेकंड मीटिंग की बात करें, चाहे सुबह की फर्स्ट मीटिंग की बात करें, यात्रा की शुरुआत में तमाम सारे लोग आते हैं, बहुत सारा समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी को, भर भर के प्यार मिल रहा है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे पिछले राज्यों की बात करें। तो बहरहाल एक बात तो तय है कि हाँ, राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी को लेकर जो अभी तक सोशल मीडिया पर और हर जगह से एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ असक्रिय हो गए थे कार्यकर्ता और पार्टी, वो चीज़ अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब लोग गर्व से बोलते हैं कि हाँ, हम
कांग्रेसी हैं और उनके चेहरे पर ये बात बोलते हुए खुशी भी नजर आती है, क्योंकि बीच में क्या था कि हाँ कांग्रेसी जो भी नेता थे कई राज्यों में, उनका नाम धीरे धीरे, अभी चाहे दक्षिण भारत की बात कर ली जाए, कांग्रेस अपना आधार धीरे धीरे खो रही थी, लेकिन इस यात्रा के बाद में ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि हाँ नहीं, अब कांग्रेस की वापसी हो सकती है। क्योंकि अब आप तस्वीरें देखिए एक बार सामने की, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कांग्रेस को लेकर लोगों में जो प्यार है वो फिर से निकल कर सामने आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बने रहिए आप द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।